बहुत लोग हमें लिखते हैं कि वो जॉब छोड़कर फार्मिंग करना चाहते हैं। देखिए भाई, ऐसा मत कीजिएगा। पहले आप फार्मिंग सीखिए, पहले कुछ ज़मीन किराए पे लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर काम करना सीखिए। 2 साल, कम से कम 2 साल आप फार्मिंग सीखिए। दो तीन फार्मर्स आप अपने वहाँ पर सैलरी पे रख लीजिए, जो गांव के आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी में से, तो उनसे सीखिए, काम सीखिए। मौसम का तकाजा होता है, बारिश कब आएगी, सर्दी कितनी पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, सॉइल टाइप क्या है, पानी का कैसे है, खारा पानी है, अच्छा पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन सी सब्जी कब लगेगी, कौन सी ग्रेन्स कब लगेंगी, उसकी आप हार्वेस्टिंग कैसे करोगे, उसको बेचोगे कहाँ, पैसे कैसे मिलेंगे, मंडी कहाँ है, मंडी की मेंबरशिप कैसे मिलती है, मतलब हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें। तो ऐसे नहीं होता कि आज आपको मन लगा, आपको आपके क्योंकि अकाउंट में 30-40 लाख रुपए पड़े हैं, आपकी अच्छी तनख्वाह है, तो आप सोचते हो एक पर्सनल लोन लेके फटाफट एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लोगे और जाके वहाँ फार्मिंग शुरू कर दोगे। ऐसे नहीं होता। आप यूट्यूब पे, मुझे मालूम है आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, कि वो आता है ना, वो देहात का वो यूट्यूब आते हैं, किसान की सक्सेस स्टोरी, उसने 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कमाए, 1 एकड़ से उसने 10 लाख कमाए, 1 एकड़ से उसने 1 करोड़ कमाया। कुछ चीज़ें तो हाइप्ड अप भी होती हैं, कुछ चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे होता तो पूरा हिंदुस्तान, फिर तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिकल चीज़ है, पहले अगर आपको, तो आप वीकेंड्स पे जाइए, ठीक है, आप जहाँ जॉब करते हैं, जॉब को क्विट मत कीजिए, प्लीज़ जॉब को क्विट मत कीजिए, जॉब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो आप साथ साथ में वीकेंड्स पे, या जब भी आपके पास छुट्टियां हो, जब भी अगर आप लॉन्ग लीव पे जा सकते हैं, आप जाके काम सीखो, काम करो, अपने हाथ से काम करो, और उसके बाद टेक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट यस नाउ द टाइम हैज़ कम, मैं वहाँ पर ज़मीनें रेंट पे ले सकता हूँ, लीज़ पे ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, जो भी आपको करना है। लेकिन कम से कम 2 से 3 साल, मैं तो आइडियली आपको कहूँगा 5 साल। अगर आपने उस काम को 5 साल नहीं दिए, 5 सीजन्स तो देखिए, मल्टी क्रॉपिंग कैसे करना है, अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे रिजल्ट निकलेगा, और अलग अलग किसानों के साथ, अलग अलग मालियों के साथ, अलग अलग, थोड़ा सीखिए काम को, फिर उसके बाद जो मर्जी कीजिए, फिर तो आप मालिक हैं, आप राजा हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन इस तरह से नहीं जी, मैं तो क्विट कर रहा हूँ, जॉब क्विट कर रहा हूँ, मैंने जॉब नहीं, ये कोई रोमांटिक, ये कोई फिल्मी आइडिया मत रखिए भाई साहब, लग जाएगी, बहुत मुश्किल काम है ये, ज़मीन के साथ काम करना, वेदर के साथ काम करना, मौसम के साथ काम करना, बीज के साथ काम करना, मिट्टी के साथ काम करना, इतना आसान नहीं होता। हाँ, बट इट हैज़ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स, इट इज़ अ वेरी वेरी सोल सेटिस्फाइंग वर्क, एग्रीकल्चर फार्मिंग। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप जितना मैक्सिमम, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की ग्रैबिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यंगस्टर्स जल्दी सीखते हैं, यंगस्टर्स फटाफट अपना यूट्यूब पे, गूगल पे, इधर उधर जाके बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं। तो जो मेच्योर लोग हैं 40s में 50s में 60s में, अब वो कहें कि हम सडनली जॉब छोड़ के जी लग जाएंगे फार्म में, ऐसे नहीं होता। थोड़ा टाइम दीजिए उसको, यंगस्टर्स जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, बड़े लोग थोड़ा स्लो होते हैं अडेप्ट करने में, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशंस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पहले काम सीखिए, फिर उसके बाद जो मर्जी डिसीजन लीजिए।